मंच पर मौजूद होंगे। तस्वीरों में देखिए आपको मंच पर संजय झा दिखाएंगे, विजय चौधरी दिखाएंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह है, लेसी सिंह है, साथ ही जेडीयू के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनको आप वीडियोस के माध्यम से देख पा रहे होंगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू और माननीय सांसद आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी यहाँ उपस्थित, बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगण श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री संजय झा जी, श्रीमती लेसी सिंह जी, श्री अशोक चौधरी जी, श्री सुमित सिंह जी, यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश सिंह कुशवाहा जी, यहाँ उपस्थित माननीय सांसद श्री चंदेश्वर चंद्रवंशी जी और श्रीमती कविता सिंह जी, माननीय विधायक श्री धीरेंद्र कुमार सिंह जी उर्फ रिंकू सिंह जी, बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यगण श्री महेश्वर सिंह जी, श्री विजय कुमार सिंह जी, श्री ललन सराफ जी, पूर्व सांसद श्रीमती मीना सिंह जी, पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री गौतम सिंह जी, पूर्व विधान पार्षद श्री विनोद सिंह जी, यहाँ उपस्थित इस कार्यक्रम में मौजूद श्री छोटू सिंह जी, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, सोना सिंह जी, नंदकिशोर कुशवाहा जी, ओम प्रकाश सेतु जी, धीरज सिंह राठौर जी, प्रभात रंजन जी, आलोक कुमार सिंह जी, श्रीमती प्रमिला सिंह जी, श्री लोक प्रकाश जी, अंजनी कुमार सिंह जी। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। कहाँ से आए हैं? लखनपाट से। किस उपलक्ष में आए हैं? उपलक्ष में आए हैं कि यहाँ पे हमारे पूर्वज के पुराना इतिहास रहा है उसके बारे में जानने के लिए और बहुत कुछ समझने के लिए हम यहाँ पे आए हैं, जो चीज़ को हम नहीं जान रहे हैं, जो हमको नहीं पढ़ाया गया उसके बारे में जानने आए हुए हैं यहाँ पे, और अपने भाई बंधु जितने भी है सारे जहाँ के उनसे मिल रहे हैं, हमको खुशी हो रहा है। हम भी लखनपार से आए हैं। क्या यहाँ पे आज ये मतलब महाराणा प्रताप की मूर्ति का स्थापना हुआ था उसके क्रम में जयंती समारोह में हम लोग आए हैं। पुण्यतिथि 19 को था तो आज जयंती समारोह में हम लोग आए हैं। हम लोग 100-200 लोग आए हैं। हाँ आपस में लोग एक गुट यहाँ है, कुछ गुट यहाँ ये है, आओ इधर सब। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महाराणा प्रताप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। तब तो 28% पर पहुंच गई है और बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं किसी भी दूसरे राज्य में और ज्यादा पुलिस है, इतनी महिलाएं पुलिस में नहीं है। हर चीज का काम हम लोग कर रहे हैं, एक एक चीज का काम हम लोग करवा रहे हैं, सरकारी सेवाओं में सब जगह महिलाओं को कम से कम एक तिहाई, और ये सब काम कर रहे हैं। अब इंजीनियरिंग में, मेडिकल में भी जो पढ़ने के लिए उसमें भी हमने कम से कम एक तिहाई कर दिया। अब कितनी महिलाएं पढ़ रही हैं, आज सब पढ़ेंगी है? और यहाँ जो है क्या नहीं हुआ, इधर आवा ना भाई, यहाँ आवा, आपको कोई माइक है कि पता चल रहा है, इधर आइएगा, बता दीजिएगा क्या आपकी समस्या है। तो खैर, तो एक एक जगह हम लोगों का ये प्रयास है, तो इसलिए सब लोग आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से लड़का हो या लड़की सबको पढ़ाने के लिए प्रेरित करिए और सब लोग एकजुट होकर के आगे चलेंगे तो ऐसा ही होगा, तभी सही मायने में रा। और लेकिन मैं पुनः दोहरा करके कहता हूँ कि उनकी बात को
घर घर तक पहुंचाने वाला काम सब लोगों के घर में पहुंचा दीजिएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा बहुत आगे। आज जितने लोग हैं मैं सबका अभिनंदन करता हूं, आपके कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं, अगर घर घर पहुंचा दीजिएगा तो आगे कार्यक्रम करिएगा तो और ज्यादा लोग इसमें शामिल होंगे। वही शब्दों के साथ मैं आप सबको कार्यक्रम आयोजित करने वाले को मैं अभिनंदन करता हूँ, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय सेतु जी को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करते हैं। और हम लोगों की तो शुभकामना रही है जी, हम तो कभी नहीं चाहते, हम तो इतना बार सबको कह रहे हैं, तो इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अभी सब बात काहे के लिए करते हैं, शांत रहो, इन सब बात को बोलने की कोई जरूरत नहीं, बोलोगे तो हल्ला होगा कि आप की मांग कर रहे हो इसीलिए हो रहा है। ये सब बात मत करिएगा, ये सब सोचना नहीं चाहिए। तो खैर अब आप निश्चिंत रहो, बैठो, हम तो बता दिए हैं, आप कहे के लिए चिंता कर रहे हो। तो आप सब लोगों को मालूम है कि जो कुछ भी महाराणा प्रताप जी का योगदान है और जो भी उन्होंने सिखाया है, सब दिन इसको याद रखना चाहिए, समाज के हर तबके को जोड़कर चलना चाहिए, ये भ्रम है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा मौजूद नहीं है, तस्वीरों में देखिए आपको मंच पर संजय झा दिख रहे हैं, विजय चौधरी दिख रहे होंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ ललन सिंह है, लेसी सिंह है, साथ ही जेडीयू के जितने भी दिग्गज नेता हैं उनको आप विजुअल्स के माध्यम से देख पा रहे हैं।